नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं पंकज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। असम की चुनावी राजनीति में कांग्रेस की हुई एंट्री। भूपेश बघेल पहुंचे पहली बार असम। सीएम ने कहा आलाकमान ने दी उन्हें असम की जिम्मेदारी। असम रवाना होने से पहले सीएम बघेल ने दिया बयान। बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा किस किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही बीजेपी। 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण की हुई शुरुआत। पहले फेज में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा टीका। 64% लोगों को लग चुका है टीका। और मुरैना में जहरीली शराब पीकर 24 लोगों की गई जान। मामले की हो निष्पक्ष जांच। अवैध शराब बनाने वाले पर सरकार लगाए लगाम। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। असम की चुनावी राजनीति में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के महारथियों की एंट्री हो चुकी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से चुनाव समन्वय बनाए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को पहली बार असम के 2 दिन के लिए गुवाहाटी पहुंचे हैं। वहां रायपुर विधायक और असम के प्रभारी सचिव विकास उपाध्याय वहां 3 दिन पहले से ही पहुंचे हुए हैं। असम जाने से पहले रायपुर के संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें असम की जिम्मेदारी दी है और वो असम में पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इस प्रवास में वे कामाख्या देवी की पूजा कर प्रदेश की खुशहाली की कामना भी करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री को आज कामाख्या देवी मंदिर पहुंचकर पूजा करना है। शाम को वे असम कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पार्टी नेताओं के साथ बैठक में भी शामिल होंगे। कल भी वे राजीव भवन में अलग अलग स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठकर चुनावी वास्तविकताओं से परिचित होने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि असम के प्रभारी महासचिव जितेंद्र सिंह भी इन बैठकों के लिए गुवाहाटी पहुंच चुके हैं और गुवाहाटी हवाई अड्डे पर विधायक विकास उपाध्याय सहित असम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सीएम भूपेश बघेल का स्वागत किया है। माना जा रहा है कि असम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी देकर कांग्रेस नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ मूल के वोटरों को सहजने की कोशिश की है। विकास उपाध्याय ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का असम दौरा कांग्रेस के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो असम की चुनावी राजनीति में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के महारथियों की एंट्री हो चुकी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से चुनाव समन्वय बनाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को पहली बार असम के 2 दिन के लिए गुवाहाटी पहुंचे हैं। वहां रायपुर विधायक और असम के प्रभारी सचिव विकास उपाध्याय वहां 3 दिन पहले ही पहुंच चुके हैं। असम जाने से पहले रायपुर में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें असम की जिम्मेदारी दी है और वो असम में पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस प्रवास में वे कामाख्या देवी की पूजा कर प्रदेश की खुशहाली की कामना भी करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री को आज कामाख्या देवी मंदिर पहुंचकर पूजा करना है। शाम को वे असम कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पार्टी नेताओं के साथ में बैठक में भी उसमें शामिल होंगे। कल भी वे राजीव भवन के अलग अलग स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठकर चुनावी वास्तविकता से परिचित होने की कोशिश करेंगे। असम के प्रभारी महासचिव जितेंद्र सिंह भी इन बैठकों के लिए गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर विधायक विकास उपाध्याय सहित असम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सीएम भूपेश बघेल का भव्य स्वागत किया। उनका रिजल्ट देख लीजिए क्या स्थिति है। तो वैसी हर जगह अब एक ही जो स्टाइल है वो बार बार नहीं चलता। कर्नाटक में कर लिए, गोवा में कर लिए, मध्य प्रदेश में कर लिए, बार बार वही करेंगे तो लोग ऊब जाते हैं। और इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि उनको अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर विश्वास नहीं रहा। अपनी लकीर बड़ा नहीं कर रहे हैं, वो तो दूसरे का लकीर छोटा कर रहे हैं। जो धन बल है और जितने भी एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा दिन चलेगा नहीं और प्रजातंत्र के लिए उचित भी नहीं। हाँ, अब वहां जाने के बाद पता चलेगा। अभी मैं जा ही रहा हूँ। तो
देखिए इनको तो सीधी बात है कि 60 लाख मीट्रिक टन चावल देने की सहमति केंद्र सरकार ने दी थी, अब उसको घटा के 24 लाख कर दिए हैं। तो इसके लिए यदि बैलगाड़ी की यात्रा नहीं, वो किसी कोई यात्रा करे, अच्छी बात करने दीजिए, उससे बात नहीं है। सवाल इस बात का है कितने किसानों को धान बिका और किसके नहीं बिका है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसा उनको नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहिए तो बताए कौन कौन जिसको नहीं चाहिए। तो असम रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसान आंदोलन प्रदेश में बीजेपी को लेकर यहां पर एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आंदोलन सहित अन्य मुद्दों को लेकर बयान उन्होंने यहां पर दिया है। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि किसान आंदोलन को बीजेपी ने एक नहीं कई बार बदनाम करने की कोशिश की है, साथ ही किसान नहीं दलाल हैं, इस तरह के भी कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। बीजेपी ने दुष्कर्म के भी कई आरोप लगाए हैं, फिर भी किसान डटे हुए हैं। यही नहीं, बीजेपी आंदोलनकारियों को भी पाकिस्तानी, चीनी, खालिस्तानी कहती है। देश के किसान ना दबेंगे और ना ही पीछे हटेंगे, ये उनकी तरफ से बयान दिया गया है बीजेपी के खिलाफ। तो आपको बता दें कि किसानों को NIA नोटिस दे रही है, और वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के आंदोलन पर हमला करते हुए कहा कि प्रभारी डी पुरंदेश्वरी हंटर मार रही है, इसलिए बीजेपी के नेता आंदोलन को मजबूर हो गए हैं, उनके पास अब कुछ नहीं बचा है। इस दौरान सीएम ने बीजेपी से सवाल किया है कि क्या वो खुले मंडी में धान बेचेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं लेंगे। बताते चले कि बीजेपी ने हाल ही में धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। वहीं अब प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन 22 जनवरी को करने जा रहे हैं, जिसे लेकर पक्ष विपक्ष में बयानबाजी तेज हो गई है। तो इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय आज से 5 दिवसीय बस्तर दौरे पर रवाना हुए हैं। तो आपको बता दें कि आसाम रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसान आंदोलन प्रदेश में बीजेपी के आंदोलन सहित अन्य मुद्दों को लेकर यहां पर बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसान आंदोलन को बीजेपी ने एक बार नहीं कई बार बदनाम करने की कोशिश की है, साथ ही किसान नहीं दलाल है, इस तरह के भी कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। बीजेपी ने दुष्कर्म के भी आरोप लगाए हैं, फिर भी किसान डटे हुए हैं। यही नहीं, बीजेपी आंदोलनकारियों को कभी पाकिस्तानी, चीनी, खालिस्तानी कहती है। देश के किसान न दबेंगे और न ही पीछे हटेंगे, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान है बीजेपी के खिलाफ। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को NIA नोटिस दे रही है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के आंदोलन पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रभारी डी पुरंदेश्वरी हंटर मार रही है, इसीलिए बीजेपी के नेता आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं, उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। इस दौरान सीएम ने बीजेपी से सवाल किया है कि क्या वो खुले में मंडी में धान बेचेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं लेंगे। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि बीजेपी ने हाल ही में धान खरीदी केंद्र में व्यवस्थाओं को लेकर भी प्रदेश सरकार पर हल्ला बोला है। वहीं यहां प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन 22 जनवरी को करने जा रहे हैं, जिसे लेकर पक्ष विपक्ष को बयानबाजी तेजी हो गई है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने रायपुर स्थित निवास से दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों की सहायता के लिए 53 टन धान भरे हुए 2 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो आपको बता दें कि NSUI कार्यकर्ताओं ने 1 रुपए और 1 पैली धान अभियान के तहत ये अनाज इकट्ठा किया था। इस अनाज का इस्तेमाल दिल्ली के किसान आंदोलन में चल रहे लंगर को किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में संघर्षरत किसानों के सहयोग के लिए NSUI ने पूरे छत्तीसगढ़ में 1 रुपया दान 1 पैली धान अभियान चलाया था, और इस अभियान के जरिए प्रदेश भर से कुल 53 टन धान और 66,500 रुपए की राशि एकत्रित की हुई है, जिसे आज दिल्ली के आंदोलनकारी किसानों की सहायता के लिए रवाना किया गया है। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने बताया कि लंगर में सीधे धान का इस्तेमाल नहीं हो सकता, ऐसे में इनकी ये मिलिंग कराया जाएगा। खाद्य सामग्री रवाना करते समय खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, नगरीय आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद शर्मा, NSUI के प्रदेश महासचिव आदित्य भगत, निखिल द्विवेदी, अमित शर्मा आदि मौजूद रहे। तो
तो वहीं एनएसयूआई का 4 दिन का अभियान 5 जनवरी को शुरू हुआ था। इस दौरान कार्यकर्ता और पदाधिकारी धान खरीदी केंद्र में पहुंचे, वहां आए किसानों से 1 पैली धान और 1 रुपए की मदद मांगी। इस राशि को 11 जनवरी को रवाना किया जाना था, लेकिन बाद में कार्यक्रम बदला गया और संग्रह का काम 14 जनवरी तक चलता रहा और 16 जनवरी को ये राशि प्रदेश कार्यालय मुख्यालय पहुंची। तो छत्तीसगढ़ में आज 323 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 261 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 7 मरीजों का इलाज के दौरान यहां पर मौत हो गई है। बता दें कि प्रदेश में अब तक 3,558 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। बताते चले कि आज 323 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,93,501 हो गई है। वहीं अब तक 2,83,111 लोग स्वस्थ हुए हैं। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या 6,832 हो गई है। तो कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग की शुरुआत 16 जनवरी से हो गई है। आज कोरोना टीकाकरण अभियान का दूसरा दिन है। चिन्हित किए गए प्रदेश के 97 केंद्रों में कोरोना का टीका हेल्थ वर्करों को लगाने की प्रक्रिया जारी है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टीकाकरण का समय निर्धारित किया गया है। बता दें कि कोरोना टीकाकरण के पहले दिन 64% लोगों को ही टीका लगा है। कोविड ऐप के दिक्कतों के चलते टीकाकरण में देरी हुई है। कई राज्यों में टीकाकरण की प्रतिशत कम दर्ज की गई है। वहीं आज टीकाकरण में रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। केंद्र की गाइडलाइन का पालन करते हुए सुबह 9 बजे से प्रदेश के 97 बूथों में टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग की शुरुआत 16 जनवरी से हो गई है। आज कोरोना टीकाकरण अभियान का दूसरा दिन है। चिन्हित किए गए प्रदेश के 97 केंद्रों में कोरोना का टीका हेल्थ वर्करों को लगाने की प्रक्रिया जारी है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टीकाकरण का समय निर्धारित किया गया है। बता दें कि कोरोना टीकाकरण के पहले दिन 64% लोगों को भी टीका गया है, यहां पर टीका लगाया गया है। कोविन ऐप के दिक्कतों के चलते टीकाकरण में देरी हुई है। कई राज्यों में टीकाकरण की फीसदी कम दर्ज की गई है। वहीं आज टीकाकरण में रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। केंद्र की गाइडलाइन का पालन करते हुए सुबह 9 बजे से प्रदेश में 97 बूथों में टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो मुरैना जहरीली शराब मामले में जांच कमेटी के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने रविवार देर रात सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं इस जांच रिपोर्ट में प्रदेश में अवैध शराब बनाने और बाहरी राज्यों से शराब की खेप आने पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को सुझाव दिए हैं। जहरीली शराब मामले में अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों एसआई मनोहर, सदस्य उप पुलिस महानिरीक्षक मिथिलेश शुक्ला की 3 सदस्यता जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट शिवराज सरकार को सौंपी है, उस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है। साथ ही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि जो जांच कमेटी गठित की गई है, उसकी रिपोर्ट से साफ लगता है कि जहरीली शराब मामले के जो बड़े आरोपी हैं, उनको बचाया जा रहा है। सारा ठीक रहा आबकारी कानून को कमजोर बताकर उस पर फोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुरैना जहरीली शराब मामले में 24 लोगों की जान गई है, इसलिए इस घटना के आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इस मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। बताते चलें कि मुरैना मामले में राजौरा कमेटी की जांच रिपोर्ट पर कांग्रेस के सवाल खड़े करने पर शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। सारंग ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं की आदत हो गई है खुद को ऐश और आराम करने के लिए
15 महीने सरकार में रहे हैं। भ्रष्टाचार के जरिए मध्य प्रदेश को जनता की गाड़ी कमाई को लूट लिया गया है, अब हमें सीख दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। राजौरा जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जो कहा है उस पर विचार होगा और कार्रवाई की जाएगी। इस बीच मुरैना शराब कांड का मुख्य आरोपी मुकेश किरार को भी चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे चेन्नई से मुरैना लाने के लिए एक पुलिस टीम को भेजा गया है। दो दिन में वो मुरैना आएगा और पुलिस मुकेश किरार से ये जानेगी कि वो जहरीली शराब कहाँ बनाई गई थी और किसने भिजवाई थी, जिसको पीकर 24 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि लैब जांच में पुष्टि हुई है कि मिथाइल अल्कोहल वाली शराब पीने से 24 लोगों की मौत हुई है, वहीं 26 लोगों का इलाज चल रहा है। मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और 4 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान अभिनीत वेब सीरीज तांडव का देश के साथ इंदौर में भी विरोध शुरू हो गया है। वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने सोमवार को कलेक्टर चौराहे पर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने अमेजन प्राइम और वेब सीरीज के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर वेब सीरीज के पोस्टर भी जलाए हैं। गौरतलब है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत में अमेजन प्राइम वीडियो में के अधिकारियों को वेब सीरीज तांडव को लेकर जारी विवाद पर तलब किया है। प्राइम वीडियो पर हाल ही में जारी वेब सीरीज तांडव पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने को लेकर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष राजेश शिरोडकर ने ये बताया है कि वेब सीरीज में एक पात्र को महादेव बनाकर उनसे अश्लील शब्दों का उच्चारण करवाया गया है। इसे लेकर कार्यकर्ताओं ने सेंसर बोर्ड बनाकर ही OTT प्लेटफॉर्म पर नजर रखने और इस वेब सीरीज को प्रतिबंध करने की मांग की है। मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सीरीज को अमेजन प्राइम के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी किए जाने को लेकर FIR भी दर्ज कराई है। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन के अंदर मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। तो भोपाल के 11 थाना क्षेत्रों से धारा 144 हटा ली गई है। हनुमानगंज, टीला, जमालपुर और गौतम नगर को कर्फ्यू हटाया गया है, लेकिन इन तीनों धारा क्षेत्रों में धारा 144 लागू है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शाहनाबाद, झोला मंदिर, निशांतपुर और तलैया, मंगलवारा, अशोक गार्डन, ऐशबाग, जहांगीरबाद स्टेशन, बजरिया, बैरसिया और नजीराबाद में धारा 144 हटा दी गई है। आपको बता दें कि हनुमानगंज थाना क्षेत्र के कबाड़खाने में 30,000 वर्ग फीट जमीन के कब्जे को लेकर विवाद की स्थिति ना हो, परिस्थितियां नियंत्रण में रहे, इसे लेकर कलेक्टर अविनाश लवानिया के आदेश पर रविवार सुबह 9 बजे से उपरोक्त थाना क्षेत्रों में धारा 144 और कर्फ्यू लगा दिया गया था। वहीं दौरान जिला पुलिस और विशेष बल के 4,000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई थी। रविवार देर रात कलेक्टर अविनाश लवानिया के आदेश पर 11 थाना क्षेत्रों से धारा 144 और 3 थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाने के बाद भोपाल शहर में सोमवार से जनजीवन सामान्य हो गया है। हालांकि 5 से अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर अभी भी पाबंदी जारी है। धरना प्रदर्शन और रैली पर भी रोक लगी है। सार्वजनिक स्थल पर शस्त्र डंडा, भाला, पत्थर, चाकू और अन्य धारदार हथियार साथ लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। रविवार रात 11 बजे जारी यह आदेश अगले फैसले तक जारी रहेगा। पुलिस और प्रशासन की स्थिति पर पैनी नजर है। कबाड़खाने के आसपास के इलाकों में अभी 2 दिन तक सख्ती रहेगी। पुलिस इस क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है और चेकिंग प्वाइंट पर भी सख्ती बढ़ती जा रही है। तो राजधानी रायपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, इसके चलते आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही है। शहर के डंगनिया तालाब के पास बीती रात आरोपियों ने युवक के पेट में चाकू घोंप दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार डंगनिया तालाब के पास चाकूबाजी की घटना हुई है। बता दें कि आरोपी युगल किशोर साहू और आकाश राजपूत के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। भड़कते
युगल ने चाकू निकालकर आकाश राजपूत पर हमला कर दिया। पेट में चाकू लगने से युवक बुरी तरह से घायल हो गया। बताते चले कि आनन फानन में घायल आकाश को निजी अस्पताल में लाया गया, जहां 3 घंटे की मशक्कत के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर चाकू को निकाला है। इसके बाद युवक की स्थिति में सुधार आया है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। वहीं फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से चाकूबाजी की 2 अलग अलग वारदातें सामने आई हैं, जिसमें एक घटना में एक युवक की जान चली गई तो दूसरी घटना में व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। दरअसल खमतराई क्षेत्र के नाबालिग लड़की के चक्कर में बॉयफ्रेंड ने एक युवक की हत्या कर दी है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वहीं डीडी नगर के मामूली विवाद में भी 2 परिचित युवक की आपस में भिड़ंत हो गई है। बताया जा रहा है कि रविवार देर रात भी मॉडल इस लड़की के साथ घूम रहा था कि तभी कोचिज वहां पहुंचा और दोनों के बीच में विवाद होने लगा। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।